हेलो एवरीवन, अमर मैथमेटिक्स इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो विद्यार्थियों का फरमाइश था, जिसके लिए हम आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन की सहायता से आप किसी भी ऑथर का कोई भी बुक का क्वेश्चन उठाइएगा इस टाइप का, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर किसी तरह का समस्या रहे तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है tan q 2x sec 2x और dx। इसको सॉल्व करना है। इसमें दो पार्ट है, एक tan है और एक sec है। अगर tan को मानते हैं t, तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर आता है, लेकिन sec है तो इसलिए इसको मानना उचित नहीं है। अगर sec को मानेंगे तो sec x इंटू क्या आता है, tan x। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये tan क्यू 2x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ध्यान दीजिए क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो याद रखना है कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 को हम लिख सकते हैं 2 और 1। इस तरह से लिखना है, इसका काम है। और देखिए इसको क्या करते हैं कि अब इसके बाद इसको यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बी नो डैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में 1 है, इधर माइनस में वन आ जाएगा, ये माइनस में तो इधर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो याद रखना है, जहाँ टेन स्क्वायर थीटा है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ ध्यान दीजिए, यही देखते हैं इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर 2x है, उसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। बात समझेगी नहीं, क्योंकि फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए टेन स्क्वायर 2x है, इसके जगह लिख दीजिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। उसके बाद ये लिख देंगे tan 2x इंटू sec 2x और dx। और क्या कीजिए, लेट जेड बराबर जेड नहीं, इसको मान लीजिए sec 2x बराबर t मान लीजिए, है ना। तो sec 2x बराबर t मान लीजिए, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d बटे dx। यहाँ लिख देंगे sec 2x बराबर d बटे dx, यहाँ t लिख देंगे। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक का हो जाएगा सेक 2x इंटू टेन 2x, ये फार्मूला आता है सेक का, सेक x इंटू टेन x इंटू डी बटे डी एस एंगल, तो एंगल में क्या लिख देंगे 2x और बराबर डी टी बाई डी। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू 2 बाहर कर देंगे dx बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी टी बाई डी एक्स, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, sec 2x इंटू टेन 2x इंटू, ये भाग में dx है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में तो क्या चीज़ में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो dx। और ये 2 है तो 2 इधर आएगा, तो 1/2 इधर लिख देंगे dt, है ना। इतना ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है। नाउ ये क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंटू क्या लिखा हुआ है, टेन 2x इंटू sec 2x, यहाँ लिख देंगे टेन 2x इंटू sec 2x dx। अब देखिए ध्यान से, इतना देखिए, इतना यहाँ मिल गया, sec इंटू टेन 2x sec 2x इंटू टेन 2x dx, इसके जगह क्या लिखेंगे 1/2 dt, माने इतना हटेगा sec 2x इंटू टेन 2x इंटू dx, ये सभी हट के क्या लिखा गया, तो 1/2 dt, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 dt। और इधर ध्यान दीजिए, सेक को क्या माने, सेक 2x है तो सेक 2x को t माने, तो यहाँ t लिख देंगे, इसके पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 है, ये माइनस 1। अब ये कांस्टेंट है 1/2, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर माइनस 1 इधर dt लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2। ध्यान देना है t के पावर 2 है तो उसमें एक जोड़ेंगे और उतना ही से भाग, तो 2 है तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3।
माइनस वन तो वन का वन एक्स, लेकिन यहाँ टी के सापेक्ष है तो वन टी लिख देंगे कॉन्स्टेंट का, टू का टू एक्स, थ्री का थ्री एक्स, लेकिन टी का सापेक्ष है तो तीन रहेगा तो थ्री टी लिखेंगे, फोर रहेगा फोर टी लिखेंगे, वन है तो वन टी मतलब टी। तो यही आपका आंसर हुआ वन बाई टू। ये बहुत कीजिए तो भिन्न के जोड़ कर लीजिए, इसके बाद टाइमिक छुपा हुआ है तो एलसीएम कितना हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा टी क्यू माइनस तीन इकाई तीन थ्री टी। आप प्लस सी कर देंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन तो एक कॉन्स्टेंट दे देते हैं तो वही प्लस सी कर दिया, कितना आ जाएगा ये वन बाई सिक्स है ना, वन बाई सिक्स हो जाएगा और दो तीय छः। आइए टी, टी किसको माने थे तो टी माने थे सेफ टू एक्स को, तो टी माने थे सेफ टू एक्स को, तो यही टी की जगह लिख देंगे सेक टू एक्स। आइए पावर थ्री है तो थ्री लिख देंगे माइनस थ्री का थ्री और टी, तो टी का वैल्यू कितना है सेक टू एक्स, तो यहाँ लिख देंगे सेक टू एक्स है ना, और एक कांस्टेंट दे देंगे तो प्लस सी। तो यही आपका आंसर रहा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन टेन फोर एक्स डी एक्स है तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे, तो इसके पावर फोर है तो इसको कितना लिख सकते हैं टेन के पावर टू एक्स इंटू टेन के पावर टू, बात समझे ना, क्यों इतना लिख सकते हैं टेन टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, मतलब टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कहा है कि पावर टू है ये टू है तो टू में टू जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फोर। अब ध्यान देना है, अभी तुरंत बताया आप लोगों को कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, वी नो डैट है ना, ये फार्मूला होता है आपका, क्या होता है फार्मूला, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो वही एक टेन स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, चूँकि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा के सापेक्ष लिखे, यहाँ एक्स है क्या क्या चीज़ के सापेक्ष लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है तो एक्स के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू ये वाला इसी तरह से लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना है तो इसको बारी बारी से गुना कर दीजिए, तो बारी बारी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स ना, समझे सेक स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर एक्स में गुना किए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स में वन से गुना कीजिएगा, तो वन से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना समझिए। अब क्या करना है, अगर टैन को डिफरेंस टैन को टी मानेंगे तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन सेक एक्स को मानेंगे तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स आता है, तो ध्यान दीजिए अगर इसको हम टी मानते हैं, अगर इसको टैन को मानेंगे तो टैन को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर आता है, इसलिए इसको टी मानेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि लेट लेट टी लेट टैन एक्स लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी बटे डी एक्स, यहाँ लिख देंगे टैन एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स यहाँ टी है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टैन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये भाग में है डी एक्स तो इधर क्या चीज में आ जाएगा गुना में और ये डी, तो ये याद रखना है इसका यहाँ यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन के लिए ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ देखिए टैन एक्स है सेक एक्स है तो सेक एक्स है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये दोनों पार्ट हटेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो क्या लिखेंगे डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हटेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हटेगा तो क्या लिखेंगे डी टी, तो यहाँ लिख देंगे डी टी और यहाँ टेन एक्स है तो टेन एक्स को क्या माने हैं टी, तो यहाँ लिख देंगे टी और ये पावर दो है तो दो लिख देंगे माइनस, इसको ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ हम बता चुके हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो वही टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आर डी एक्स। अब आप ध्यान दीजिए टी के पावर थ्री है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पावर थ्री बाई थ्री और माइनस ये सेक है सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स के हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स और माइनस वन है तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स और जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो कॉन्स्टेंट डालते हैं तो कॉन्स्टेंट के रूप में सी डाल देंगे तो क्या हो गया टी, टी किसको मानते हैं टेन एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे टेन एक्स के पावर थ्री और यहाँ लिख देंगे वन बाई थ्री माइनस गुना कीजिएगा
तो माइनस टेन एक्स, ये माइनस गुना कीजिए तो माइनस गुना माइनस प्लस एक्स आए प्लस सी, यही आपका आंसर रहा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।